पता नहीं। और ये सिंको बनाता हुआ वीडियो, और ये बर्फ खाते हुए सब जेब में भरते हुए लाते हुए। भैया ने आके व्लॉग बनाया, आ गई है तुम लोग व्लॉग में। हाय, सबने सारा सामान बुआ को दे रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं चोपता घूमने के लिए। आज हमारे साथ हैं, तेल भरवाने जा रहे हैं, श्रेया काकू और आदर्श। और तो आज हम चोपता घूमने के लिए जा रहे हैं। अभी पहले चलते हैं पेट्रोल पंप। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम सब पूरी फैमिली जा रही है घूमने के लिए। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। अभी हम पंचकुलिया पहुंच गए हैं और यहाँ पे चेकिंग हो रही है, और जो ये चेकिंग हो रही है इलेक्शन के कारण हो रही है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे लोग पैसे और अल्कोहल वगैरह बहुत लेके जाते हैं, तो इसलिए चेकिंग हो रही है। तो अभी हम पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं और अब पेट्रोल भरवाएंगे। और अभी हमारे आगे हमारी बुआ लोग हैं, ये भी आज हमारे साथ चुपता जाएंगे। जो ये वाली रोड है, इससे हम अपने घर के लिए जाते हैं, सिमली वगैरह कैटसैंड इसी रोड जाते हैं, नैनीताल भी। और जो ये वाली रोड है, इधर से अब हम जाएंगे गोपेश्वर के लिए, जहाँ से हमें चुपता जाना है। और ये शिव भगवान का मंदिर है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय। और भाई बहुत ज़्यादा जाम भी लग रहा है। पापा को कॉल करके पूछ तो लो कहाँ पहुँचे। उनको बोला तो यहाँ पे अभी जाम लग गया है। ये ऊपर वाली जो रोड है, ये इसके गोपेश्वर बद्रीनाथ वगैरह जाती है, और ये नीचे वाली जो रोड है ये जाती है हरिद्वार देहरादून गौचर, और हम बीच में अटक गए हैं। और हमारे पीछे भी जाम लगा हुआ है, पीछे से भी गाड़ी आ गई है। तो फाइनली अब जाम खुल चुका है। भाई भीड़ देख रहे हो, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे जाम में फंसे हुए थे और जाम खुल गया है, खुल गया, फिर से लग गया मेरे ख्याल से। तो धीरे धीरे करके अब गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। हेलो, हाँ बोल। हाँ पीछे यहाँ दिख रही है तुम्हारी गाड़ी, हाँ हमारे पीछे है। हाँ
और करण प्रयाग दिख रहा है यहाँ से। दिखाओ भाई उसको, करण प्रयाग नहीं दिख रहे थे। और अब जाके जाम खुलने लगा है और इतनी लंबी लाइन लगी है आगे तक, तो अब करण प्रयाग में बहुत ज़्यादा जाम लगने लगा है, पहले नहीं लगता था। यहाँ पे 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था, कितनी सारी गाड़ियाँ लाइन पे लगी हुई है, लोगों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे से करण प्रयाग का नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है ये। तो अब यहाँ पे भी एक ट्रक, तो आज ऐसे लगता है हमें रास्ते भर जाम ही मिलेगा, क्योंकि आज की शुरुआत जाम से ही हुई है। और ये जो जगह है ये है लंगासू, हम लंगासू पहुंच गए हैं। और मुझे जो लंगासू की सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है ये हरे भरे खेत एकदम, ये बहुत बढ़िया लगते हैं जब आप यहाँ से जाते हो तब दिखते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ सामने रोड पे एक कुत्ता खड़ा हुआ था, तो अभी हमारे साथ वाले लोग मतलब हमारे पीछे दो गाड़ियाँ हैं वो अभी पहुँची नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर उनका वेट करेंगे, थोड़ा रुकेंगे हम यहाँ पे और उनका उनके आने का वेट करेंगे। तब तक यहाँ पे रुकते हैं हम रोड के साइड पे, उनका वेट करेंगे अब। और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा, और अभी हम लंगासू पे हैं। और अभी हम नंद प्रयाग पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमें बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। जैसे हम नंद प्रयाग आगे क्रॉस कर लेंगे तो हमको थोड़ा और ज़्यादा दिखेंगे बर्फ के पहाड़, क्योंकि यहाँ से अभी थोड़ा थोड़ा ही दिख रहे हैं। आई होप कि आज तो हमें कम से कम बर्फ़ देखने को मिल जाए। तो अभी हम एक जगह पर रुके हुए थे और यहाँ से अभी बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। और ये है आदर्श, ये है श्रेया। हेलो, मजा आएगा बर्फ में जाएंगे। और यहाँ पे से हमें गोपेश्वर दिखाई दे रहा है, सामने जो पहाड़ पे हल्की हल्की बर्फ भी दिखाई दे रही है, और जो छोटे छोटे सारे एक साथ घर दिखाई दे रहे हैं वो है पूरा गोपेश्वर, और आगे चमोली आएगा, चमोली से हम गोपेश्वर के लिए जाएंगे। तो आज के ट्रिप में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फाइनली अब हम चमोली पहुँच गए हैं और पीछे भी चेकिंग चल रही थी, तो हमने सीट बेल्ट वगैरह पहनी हुई थी प्रॉपर, मास्क भी लगाया हुआ था, तो रोक के चेक कर रहे थे। तो ये है चमोली मार्केट और हमको यहाँ पे से ये नीचे वाली रोड पे जाना है।
और जो ये ऊपर वाली रोड है ये जाती है बद्रीनाथ और जोशीमठ के लिए। और हम इस रोड से जाएंगे, इस रोड से पहले गोपेश्वर और गोपेश्वर से फिर हम जाएंगे चोकता के लिए। तो पहले चलते हैं गोपेश्वर, फिर जाएंगे हम चोकता वाला रूट दिखाऊंगा मैं आपको। ये हम पहुंच चुके हैं गोपेश्वर और यहाँ पे से अब हमको जाना है गोपेश्वर पेट्रोल पंप के लिए, और पेट्रोल पंप से ही चोकता का रास्ता भी जाता है। और देखो कितना बढ़िया है गोपेश्वर, भले ही रोड पतली है पर गोपेश्वर जगह बहुत अच्छी है। आप लोग भी ज़रूर आइए गोपेश्वर घूमने के लिए। तो यहाँ गोपेश्वर में भी जाम लगा हुआ था आगे तक लंबा, और अभी उन्होंने एक तरफ की गाड़ी आने दी। और अभी हम गोपेश्वर पेट्रोल पंप पे हैं, उसके आगे भी है। ये थला हमें पास कर गया। तो यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ रुकी हुई है और यहाँ पे सब चाय पी रहे हैं। और ऊपर पहाड़ में बर्फ भी गिरी हुई है। अभी हम मंडल पहुँच गए हैं और आगे पे से अनसुईया देवी मंदिर के लिए जाते हैं। आगे पे गेट है और वहाँ से ऊपर 5-6 किलोमीटर ट्रैक करके जाना होता है अनसुईया देवी मंदिर के लिए। और यहाँ पे हमें रोक लिया गया है, यहाँ पे चेकिंग वगैरह चल रही है। ये नॉर्मल चेकिंग है, यहाँ पे वो गाड़ी का नंबर वगैरह नोट करते हैं और कितने लोग जा रहे हैं ये सब नोट करते हैं। और इलेक्शन के कारण भी आजकल जगह जगह पे चेकिंग वगैरह हो रही है। और ये है अनसुईया देवी मंदिर का गेट, यहाँ से जाते हैं। और अभी हमारी बुआ लोगों की गाड़ी को भी रोक लिया है और चेकिंग करेंगे, वो देख रहे हैं कि कहीं कुछ अवैध सामान तो नहीं ले जा रहे हैं, अवैध सामग्री। तो ये चेकिंग हो रही है और गाड़ी का नंबर वगैरह नोट भी हो रहा है कि अगर गाड़ी फंस फंस जाती है तो वो आएंगे ढूंढने के लिए। तो इसलिए डेली रूटीन है उनका चेक करने का।